हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है जीआरसी और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रेडार के ऊपर कि जो रेडार टेक्नोलॉजी है ये क्या है, कैसे काम करती है, इसका पूरा वर्किंग प्रोसीजर काफ़ी डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ हमारे अपने हिंदी में। सेकेंड चीज़ मैं आपको बात करने वाला हूँ आपके साथ, वो ये है कि रेडार में जो एंटीना हम यूज़ करते हैं वो डबल रोल कैसे प्ले करता है। मतलब मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि जो एंटीना है वो डबल रोल प्ले करता है, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे क्या क्या वजह है, तो ये भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तीसरी चीज़ आज हम इस वीडियो में जो ये बात करने वाले हैं वो ये है कि दोस्तों जो रेडार है उसका जो बेसिक आइडिया हमें कहाँ से आया। मतलब जो रेडार है, रेडार जिस चीज़ पर काम करता है उसका, मतलब जो रेडार का जो बेसिक वर्किंग नेचर है उसका आइडिया हम इंसान को कहाँ से आया, हमें कहाँ से उसकी बेसिक आइडिया मिली, एक छोटी सी पॉइंट मिला जिसको पकड़ के हमने रेडार को हमने सोचा कि भाई चलिए इस पर कोई टेक्नोलॉजी बनाए। तो आज पूरा वीडियो इसी के बारे में है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मेरा नाम है जीआरसी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, नाम से क्लियर होता है कि हम यहाँ पर रेडियो वेव्स का यूज़ करके कुछ ढूंढ रहे हैं और उसको फिर कुछ कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर होती है। रेडार वेव्स का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो हम जनरली काफ़ी जगह, जो रेडार टेक्नोलॉजी है वो हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो जनरली यूज़ करते हैं वो हम करते हैं आसमान में जब एरोप्लेन्स एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ते हैं, तो जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट वगैरह जो है दुश्मन के, वो पता लगाने के लिए हम जनरली रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं रेडियो वेव्स कैसे काम करता है। तो सो उसके पीछे का जो बेसिक टेक्नोलॉजी है, जो बेसिक साइंस है, बेसिक जो मूल आधार है, मैं वो आपको ये बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप ये मानिए कि आप अंधेरे में जा रहे हैं और आपके हाथ में टॉर्च है, ठीक है। तो अगर आप टॉर्च से कोई लाइट टॉर्च अगर आप चालू कर रहे हैं तो टॉर्च से जैसे लाइट निकलेगा, तो वो मान लीजिए कोई पत्थर रखा है और पत्थर पर जाके वो लाइट टकराया। तो दोस्तों क्योंकि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, तो अगर पत्थर पर जाके लाइट टकरा रहा है तो वहाँ पर आपको वो पत्थर दिखने लगेगा। क्यों दिखा वो पत्थर? वो आपको पत्थर इसीलिए दिखा कि टॉर्च से लाइट निकली और वो लाइट पत्थर पर टकराई, और टकराने के बाद वो लाइट वापस आपके आँखों पर आई। और क्योंकि लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से टकरा के रिफ्लेक्शन की वजह से आपकी आंखों पर आई, तो आप उस पत्थर को देख पा रहे हैं। दोस्तों यही चीज़ का इस्तेमाल होता है, हम क्या करते हैं रेडियो वेव्स छोड़ते हैं, और रेडियो वेव्स जब टकरा कर वापस आती है तो हमको रेडियो वेव्स की स्पीड पता है, ठीक है, और हमको निकालना है कि कितने दूरी पे जहाँ से वो टकरा के आई वो चीज़ कितने दूरी पे है। तो दोस्तों हमको रेडियो वेव्स का स्पीड पता है और हमको पता है कि कितनी देर में वो आई रेडियो वेव्स टकरा के, तो हम निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स के बेसिक कैलकुलेशन से कि वो जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट टकरा के आई वो कितने दूर पे है। दोस्तों यही बेसिक चीज़ यूज़ होती है। हम क्या करते हैं रेडियो वेव्स में, रेडार टेक्नोलॉजी में, हम रेडियो वेव्स छोड़ते हैं और वो रेडियो वेव्स जब टकरा कर आती है वापस, तो हम पता लगाते हैं कि वो कितने दूर पे है वो ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों जो रेडार का मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ें रेडार में ज़रूरी है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि रेडियो वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं, तो सामान्य सी बात है कि रेडियो वेव्स जनरेट तो कोई कर रहा होगा, रेडियो वेव्स पैदा तो कोई कर रहा होगा, तभी तो रेडियो वेव्स आगे जाएंगी, तभी तो हम रेडियो वेव्स छोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो रेडियो वेव्स है उसको पैदा करने का काम करता है और उसका नाम है मैग्नेट्रॉन। दोस्तों मैग्नेट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो रेडियो वेव्स पैदा करता है यहाँ पर। दोस्तों आपको मैं बता दूँ, मैग्नेट्रॉन का जो असली काम है वो ये है कि माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करना। हम जो माइक्रोवेव ओवन जो यूज़ करते हैं घर में सामान्य तौर पर, उसमें दोस्तों ये मैग्नेट्रॉन ही है जो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन दोस्तों हमें क्योंकि यहाँ पर रेडियो वेव्स की ज़रूरत है, तो हम मैग्नेट्रॉन से यहाँ पर रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल पैदा होता है कि रेडियो वेव्स से क्यों, माइक्रोवेव्स क्यों नहीं? दोस्तों माइक्रोवेव्स की जो लंबाई होती है वो बहुत छोटी होती है, रेडियो वेव्स की लंबाई बहुत बड़ी होती है, और हमें क्योंकि बहुत दूर का लंबा डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना रहता है, इसलिए हमें लंबे वेव्स चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। अब ये तो बात हो गई कि हम रेडियो वेव्स कैसे पैदा करते हैं, और वो है कि हम मैग्नेट्रॉन से रेडियो वेव्स पैदा करते हैं। अगली बात वो ये है कि चलिए हमने रेडियो वेव्स पैदा तो कर दिया, अब उसे छोड़ना तो है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटीना। तो एंटीना यहाँ पर डबल रोल प्ले करता है, मतलब यहाँ पर जो एंटीना है वो ट्रांसमीटर का काम भी करेगा, रिसीवर का भी काम करेगा, दोनों काम करेगा, एज अ ट्रांसमीटर एज अ रिसीवर दोनों। कैसे? तो जो रेडियो जो एंटीना होता है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, कर्व शेप का होता है, और क्योंकि वो कर्व शेप का होता है तो वो क्या करता है, जो रेडियो वेव्स
मैग्नेट्रॉन जनरेट करता है ना, पैदा करता है ना, उसको काफ़ी पतली बीम, लेज़र बीम टाइप के मान लीजिए, काफ़ी पतली बीम में वो छोड़ता है ताकि वो लंबी दूरी तक जाए। तो दोस्तों ये एक काम एंटीना करता है, इसी तरीके से एंटीना छोड़ता है रेडियो वेव्स। अब मान लीजिए दोस्तों एंटीना ने रेडियो वेव्स छोड़ा, अब दोस्तों जो रेडियो वेव्स है वो कहीं से भी टकरा के आई, मान लीजिए वो आपके दुश्मन का जो एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, वहाँ से टकरा के जब आती है ना रेडियो वेव्स, तो दोस्तों जो एंटीना रहता है वो क्या करता है, क्योंकि अब उसने तो छोड़ दिया है, अब उसको रेडियो वेव्स रिसीव करना है, तो दोस्तों वो रिसीवर बन जाता है, मतलब दोनों काम वो करता है, एज अ ट्रांसमीटर एज अ रिसीवर। तो दोस्तों जब वो एज अ रिसीवर काम करेगा तो वो क्या करता है, जो एंटीना होता है ना, जो एंटीना है वो कंटिन्यू गोल 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 घूमते रहता है चारों ओर, ताकि चारों ओर से वो सिग्नल पकड़ सके। तो दोस्तों ऐसा ही काम करता है, जब एंटीना जो रेडियो वेव्स उसको छोड़ता है तब वो सिर्फ रेडियो वेव्स को छोड़ेगा, तब वो रिसीवर की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन एक बार उसने रेडियो वेव्स को छोड़ दिया तब वो कुछ देर के लिए रिसीवर बन जाता है, मतलब कुछ देर के लिए वो सिग्नल ढूंढेगा कि कहाँ कहाँ से सिग्नल आ रहा है, चलो मैं पकड़ता हूँ। मतलब जो एंटीना है वहाँ पे दोनों रोल एक साथ नहीं करेगा, मतलब वो रिसीवर भी, मतलब एक मोमेंट पे, एक समय पे वो एज अ रिसीवर और एज अ ट्रांसमीटर दोनों बन के काम नहीं कर सकता। अगर वो ट्रांसमीटर बन के काम कर रहा है तो वो रिसीवर नहीं बनेगा, अगर वो रिसीवर बन के काम कर रहा है तो ट्रांसमीटर नहीं बनेगा। तो उस एंटीना का रोल यही है कि एक बार रेडियो वेव छोड़ने के बाद वो कुछ देर के लिए रिसीवर बन जाता है और वो चारों तरफ देखता रहता है कि कहाँ से वेव्स आ रही हैं ताकि मैं पकड़ सकूँ। तो दोस्तों ये हुआ बेसिक कंसेप्ट। अब दोस्तों ये जो ट्रांसमीटर होता है, जो ये एंटीना होता है, ये कैसे भाई कि ट्रांसमीटर भी बन जाऊँ मैं और रिसीवर भी बन जाऊँ मैं, ये काम कैसे करता है? दोस्तों एंटीना में एक चीज़ लगा होता है जिसका नाम होता है डुप्लेक्सर। दोस्तों ये डुप्लेक्सर क्या करता है, यही एक चीज़ है एंटीना में, जो डुप्लेक्सर होता है, मेन डुप्लेक्सर ही जिम्मेदार है कि एंटीना डबल रोल प्ले करे। डुप्लेक्सर का मैकेनिज्म ही कुछ इस तरीके का होता है कि वो एंटीना को एज अ ट्रांसमीटर भी बिहेव कराए और एज अ रिसीवर भी बिहेव कराए। तो दोस्तों यही चीज़ यूज होती है, हम रेडियो वेव्स को छोड़ते हैं और वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट एरोप्लेन से जब वो टकरा के आता है तो दोस्तों हम उसकी कितना दूर है पता करते हैं। अब कितना दूर है कैसे पता करें, दोस्तों देखिए जो हम लाइट वेव्स यूज़ करते हैं, जो लाइट वेव्स होती है सामान्य, जो हमें आँख से दिखती है लाइट, उनकी स्पीड लगभग, उनकी स्पीड तो जो हम जो स्पीड होती है लाइट वेव्स की, वो तो लाइट वेव्स की स्पीड है ही, और क्योंकि लाइट वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जो रेडियो वेव्स है ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो दोस्तों जो लाइट वेव्स की जो स्पीड होती है ना वही होती है रेडियो वेव्स की स्पीड, मतलब दोनों वेव्स की स्पीड लगभग एक बराबर होती है, सेम ही स्पीड होती है दोनों वेव्स की, और हमें लाइट वेव की स्पीड पता है तो हम फॉर्मूला में सामान्य मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम स्पीड वहाँ पर लेते हैं, लाइट वेव की स्पीड, अगर हम रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे हैं तब भी हम स्पीड लेंगे लाइट वेव की, क्योंकि दोनों वेव्स की स्पीड सेम होती है और हमें पता है कि जो रेडियो वेव्स है वो कितने देर में टकरा के आया, तो दोस्तों हम पता लगा लेते हैं कि कितने दूर में है वो ऑब्जेक्ट, और यही यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक जो फ़ोटो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, वही होता है दोस्तों रेडार का जो डिस्प्ले है, जो एंटीना है जब वो रिसीवर की तरह काम कर लेता है तब वो देखता, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले देता है कि जो आदमी ऑपरेटर बैठा है कि उसको डिस्प्ले में दिखे, तो इस तरीके से पता चल जाता है कि कितने दूर पर कोई ऑब्जेक्ट है, और यही है बेसिक रेडार टेक्नोलॉजी के काम करने का। मुझे उम्मीद है और बिलीव है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ से आप मुझे बताइए कि नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप मुझे बताइए कि क्यों पसंद नहीं आया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपने जो भी मुझसे कहा है मैं उसे समझूँ और ज़्यादा सुधार कर सकूँ और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ और काफ़ी अच्छा आपके लिए कंटेंट ला सकूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से वीडियो को, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कमाल के साइंस और टेक्नोलॉजी के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। और जो अगर सब्सक्राइब आप, जैसे मैंने कहा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, और उसके बाजू का जो बेल आइकन है उस पर भी ज़रूर प्रेस करना, उसको भी ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि इससे होगा ये कि जब भी मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ हमारे अपने हिंदी में, तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।